किन मांगों को लेकर आप लोग आज मसाल जुलूस? हम लोग आज मसाल जुलूस के माध्यम से प्रचार लिख रहे हैं, प्रचार महोदय के अवगत कराने के लिए आए हैं कि हम छात्रावास कर्मचारी हैं और हमारा मांग है कि सबसे पहले समायोजन किया जाए, नहीं तो फिलहाल जो है मानदेय के तौर पर 18,000 जो बिहार सरकार का जो घोषणा है वो 18,000 दिया जाए, नहीं तो हमारा हड़ताल जारी रहेगा। आप लोग हड़ताल करने जा रहे हैं 14 तारीख से, दिन सोमवार से। क्या कहना चाहेंगे आप? हम अपने प्रचार महोदय से अनुरोध कर रहे हैं, या किए हैं, अभी भी करने के लिए हैं, लेकिन हमारा जो समस्या है उनको हल करें, इनके हाथ से नहीं होता है तो ऊपर लिखे। कैसी समस्या है आपके पास? हमारा समस्या है यहाँ जो है मतलब की समायोजन करें, छात्रावास कर्मचारी परसों से काम करते आ रहे हैं, इन लोगों को समायोजन करें, इनसे आग्रह है हम लोगों को जो वर्दी है CLBL है वो देना करें, हम लोगों को सब कुछ ये रख लिए, न जाकर वर्दी देने के तैयार कगार पर है, न छुट्टी देने के कगार पर है, हटाने के कगार पर है, हटा देंगे। बहाल आप किए तो उस समय पूछे थे पूर्व निर्धारित GMC दैनिक वेतन कर्मचारी संघ द्वारा अस्पताल प्रशासन के खिलाफ 14 दिसंबर से जो होने वाली हड़ताल है उसका विरोध में मसाल जुलूस निकाला गया है। हम लोग गोप गुट के माध्यम से भी इनके साथ है, इनकी जो मांगे हैं वो जायज है, कितनी बार आंदोलन हुआ, कितनी बार शिष्टमंडल वार्ता हुआ, लेकिन इनको लोगों को आज तक समायोजन नहीं किया गया, जबकि और भी मेडिकल कॉलेजों में चतुर्थ वर्गीय पद पर दैनिक वेतन भोगी कर्मी का समायोजन किया गया है, लेकिन यहां आज तक कॉलेज प्रशासन के लापरवाही के कारण फाइल आगे नहीं बढ़ाया जाता है, जिसका कर्मचारियों में काफ़ी आक्रोश है। और इनके आंदोलन के साथ वो गोपुर जिला शाखा दरभंगा इनके साथ नाम बता दीजिए संतोष कुमार उर्फ गुड्डू पासवान, बिहार राज्य राजपत्रित कर्मचारी महासंघ गोप गुट के जिला सह संयोजक दरभंगा।